हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं आई हूँ भीमताल। किसके साथ आई हूँ वो तो बता नहीं सकती मैं क्योंकि किसी खास स्पेशल वन के साथ आई हूँ। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ भीमताल की कुछ छोटी मोटी जगह, जैसे अभी हम लेक की साइड में आए हैं, किनारे में। और आओ तो आपको दिखाती हूँ मैं धीरे धीरे आगे आगे क्या क्या कहाँ कहाँ जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ लेक के साइड में। तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है यहाँ पर घूमने के लिए, और रात को आप लोग यहाँ घूम सकते हैं। और यहाँ पर एक एक्वेरियम रेस्टोरेंट है जो है लेक के बीचों बीच पर टापू में, वो खुला रहता है शाम को 6 बजे तक। जब तक उजाला रहता है तब तक खुला रहता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जा सकते हैं बोट से, और रात को बोट चल नहीं सकती है क्योंकि फिर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कैसे करेंगे बोट चलाने के लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ एक्वेरियम रेस्टोरेंट, वो रहा सामने एक्वेरियम रेस्टोरेंट। आप लोग देख सकते हैं लाइटिंग वहाँ की दिख रही है हल्की हल्की, मुझे तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा नहीं दिख रहा वो तो कैमरे में पता चलेगा। बाकी यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह है, ये रहा सामने। और बैठने के लिए यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, आगे चबूतरा जैसा बनाया गया है बैठने के लिए। आइए बैठते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं, और यहाँ पर आके आप देखिए सामने बहुत सारे होटल्स हैं। आपको दिख रहा होगा शायद कैमरे में, मेरे को तो दिख रहा है, अभी शायद अंधेरा है इसलिए आपको साफ साफ दिखाई ना दे। और वो देखिए सामने नदी में कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कितना सुंदर व्यू है बैठने के लिए। मतलब कपल्स लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ बैठने के लिए, आराम से बैठे बातें करें और मज़े ले ठंडी ठंडी हवा के। गर्मियों में बहुत अच्छी जगह है यहाँ आने के लिए, आइए विज़िट करिए भीमताल में। तो साथ में चॉकलेट या खाने पीने की चीज़ ला सकते हो आप, क्योंकि यहाँ जल्दी पहाड़ की साइड है तो जल्दी बंद कर देते हैं शॉप वगैरह। अभी शॉप अब बंद होने लग गई है धीरे धीरे करके, मार्केट सारी बंद हो रही है। तो हम तो बस ऐसे घूमने चल दिए हैं। खानी है